मतलब आगे लेकर 20 किलो मारे आगे कट्टे पे तोल रखा है दूध इसका दूसरे ब्यात में ये ब्याह भाई तीसरे ब्याह होगी आगे लेना काट ली इसकी मुर्गी छोटी नहीं मथे में फूल भी है भाई थोड़ा भाई फूल है बिल्कुल आगे लेना मेरे तो झूठ बोली थी कृष्ण भाई या 3 नंबर पर बाखड़ी है जो इसकी और बताओ डिटेल अरे ले ओट कुण दे गात भूनी सी टूटेगी जड़ों से कोई लेनिया कोई देनिया अप अपना बड़ों से जगन्नाथ के शुभ कर्मा का ते अच्छा ये फलों से उतना ही गाना चाहिए जितना गावनिया का गड़ों से साज नहीं आवाज नहीं तरा फिर भी गाना केस है और टोटा नफा कर्म का उसे तने उलाना केस है पशुओं का जिक्र पशुओं की फिक्र पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजय मिंद्र ओली की तरफ सारे भाई ने राम राम भाई आज पहुंचे हैं गाँव मेहंदीपुर जिला सोनीपत में भाई क्योंकि एक मेहंदीपुर बालाजी धाम भी है भाई जो राजस्थान में है आप सब जानते हैं लेकिन ये जो मेहंदीपुर गांव है सोनीपत जिले का गांव है मुरथल से 2-3 किलोमीटर आगे और जमुना के बिल्कुल पास में गांव है कृष्ण भाई के पास में पहुंचे हैं कृष्ण भाई राम 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 भाई जी सारे भाई ना सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम और ठीक हो भाई साहब ठीक भाई जी कई दिन हो गए जस भी रोज दोपहर में कत्ती गांव में खड़ा करके वीडियो बनाया था आज शीशम के पेड़ नीचे भाई पूरा आराम हो रहा है आज नहीं तो बोलती आना भी है ना कई पैसा हो यार गर्मी ज्यादा हो जाए पसीना दावे मेरा कहने का मतलब के है सही बता दू भाई साहब मेरा अपनी गर्मी तो मतलब नगम नगनी गर्मी लगा मेरा कहने का मतलब यो है पेड़ पौधा ने जितना बढ़ावा दोगे उतना अच्छा है बिल्कुल यह बात 16 आने की भाई 16 आने की बाप नहीं हो यार लगा रखे अपने घेर में तो इसमें डंगर भी छा में बैठ जाए आदमी भी आ जाए आदमी भी खाट गाल ले तो सारा फर्क रहे उस चीज भाई पेड़ की तो बारिश भी ज्यादा हो पेड़ था थे। हाँ तो जरूरी है भाई लगाना चाहिए इब आ जाएगा पौधा रोपण के लिए भाई जी हमारे नहीं हमारे गांव में तो 500 पेड़ हमने लगा दिए 200 पेड़ 15 अगस्त को लगाए थे कुछ 16 अगस्त को लगाए थे कुछ उससे पहला 8 अगस्त ने लगाए थे 500 पेड़ आए थे हमारे गांव में 500 के 500 लगा दिए इब 100 पेड़ और लगा दो भाई चंद्रयान सक्सेस होया जो अपना तीसरा इसकी खुशी में 100 पेड़ और ला दिए भाई 100 के 200 लगाओगे अभी बाबा का यो दादा भैया का भंडारा उस पर 200 पेड़ लगाने हैं गाँव ने बोल रखी है भाई पूरे मेहंदीपुर गाँव ने राम राम करें भाई हम इसी सोच के लिए जो भाई कोई भी भंडारा हो त्योहार हो उस पर आप पेड़ लगा के त्योहार न मनाओ तो बहुत बढ़िया आप लोगों की सोच और समझ पूरे गांव की बहुत अच्छी है कृष्ण भाई पशु कितने अपने घर पर टोटल पशु भाई 9 है 9 पशु है हाँ। दूध का काम है शायद अपना दूध का काम करें भाई के बाद दूध दे भाई जी भाई अपना जो दूध दिया था देव 57 दे दे और भाई लोटे वाले जो है वो 70 ले हैं उन 70 रुपये दे हैं भाई और दूध दिया ले जा 57 मेरा आज तो ये अंतर समझ में नहीं आया भाई भाई जी इसका अंतर एक का है दूध दिया था जाडे में भी उससे रेट लेगा छोड़ के नहीं जा सकता ताजा हो बाखड़ा हो कि साहब भी हो लेकर जा हाँ लोटे वाले आज ले ली कल ना लिया वो लगातार ले वो कंटिन्यू है 2 रुपये की इंसान ने जरूरत पड़े तो आपस में भाई ले दे भी ले हैं है। अच्छा जी ये मान ले कोई लोटे वाला 4 किलो दूध ले हर रुपये की 50,000 की जरूरत पड़ेगी मैं से लेती आना वो के दे देगा भाई नहीं यार दूध या वो अपने ना देवे दूध या साथ दे दूध या साथ देगा भाई एक दिन सता रहे क्या भैया हकीकत बात है कोई पृथ्वी जुड़ी हो रही कोई सी बात नहीं है अगले को बनावटी बात है भाई सही बात है भाई जी फिर आज भाई सेल खातर क्या पशु होंगे 3 है भाई जी 3 है एक तो भाई ब्यावगीर 2 बाखड़ी है भाई रेट भाई से बताइए जो बेचनी हो भाई बेचने के बताऊंगे और घर बांधने के तो क्या करेंगे अजय सही बात क्योंकि कई बार वीडियो तो लगातार देखो हो मेरे ख्याल भाई कंटिन्यू वीडियो देखा करूँ पर मतलब जीते हमने नाजायज रेट लग गए ना हम उस वीडियो में कमेंट मतलब भी लेके देख भाई इतने गलत मांगे कृष्ण भाई कई बार पढ़ा करूँ मैं हर किसी भाई के कमेंट पर बात आएगी थोड़ी ही वीडियो लंबी हो जाएगी भाई एक जसबीर भाई बता अगर मेरे तक कई बार मैं भी कमेंट लगातार पढ़ा करूँ मारी वीडियो डल्ली ने 1 मिनट हो जाए है ना 1 मिनट वीडियो डल्ली ने हुई यार 12 कमेंट आए पाओ हैं बिल्कुल आओ है भाई वे भाई वो हैं जो हमारे कतिनू कट्टर फैन हो इंतजार रखे हैं आखिर वीडियो खदा होगी भाई जी वे न्यू कर रहे हैं भाई वीडियो पाछे देखें पहले राम राम लिख दें भाई तम ने कत्ती दोनों भाई की तरफ तर दे गहरा योशे धन्यवाद है जो इतना लाड प्यार साथ आप दे रहे हो ना भाई मारे पल्ले के था थारे जी सा हौसला दिया यो चंद्रयान जब पहला 2 वाला
असफल होया था ना हाँ। तो उड़े मोदी ने न्यू ना कही अक्तम ने इतना रुपया ला दिया कुछ भी हासिल ना होया सांत्वना दी थी उस मोदी ने दिल की दलासा दी थी न्यू कही थी कोई बात नहीं अगले की तैयारी करो मारे तो भी न्यू कही थी इस चैनल पर आगे तैयारी करो तुम फिर जोटा मारे भाई जी ये काम चलते रहे हैं आखिर जब वो चैनल पर आपने मेहनत करी उसने चलो जो भी करे वो उसने अपने लिए करे अच्छा करे अपने लिए करे उसने सब न बढ़िया करे भाई तो धन्यवाद एक बार फिर कई भावनाओं में बह जाऊं मैं कई भाई जो यो इतना साथ दे है ना लाड प्यारे यो कई घना अरे भाई इंसान है मतलब गलती तो करे ही करे सही बात है जी जो मेरे ख्याल है ज्ञापन से ही शुरुआत करेंगे कृष्ण भाई क्या डिटेल है इसकी भाई मैं बाखड़ी लिया था अच्छा अरे मतलब आग लेकर 20 किलो मारे आगे कट्टे पे तोल रखे है दूध इसका दूसरे ब्यात में ए बिया भाई तीसरे ब्याह होगी क्या के दिन रह गए इसके भाई 23 तारीख ने इसके दिन पूरे हो चुके हैं 23 तारीख को दिन पूरे हो गए आज वीडियो जो बना रहे हैं 24 तारीख को बना रहे हैं हाँ एक दिन भाई ऊपर जा लिया कदे भी ब्यास का है ब्यास का है मौके की बात है तो 20 किलो दूध आपके सामने दूसरे ब्यात में कट ही ने कट्टे पे तोल रखा भाई जी कट्टे पे तोल लिया भाई एक वैसे लीटर एक तो लीटर हो आगरा भाई जी अच्छा एक कांटे का जो तोल हो किलो में वो है तो कांटे पे कांटे पे तोल रखा भाई कांटे पे इसने तोल रखा भाई दूसरे पे तो मैं भाई बताओ है 20 किलो दूध तो मैं तो एक चीज कह रहा हूँ भाई रिकॉर्ड करवाना चाहिए था जब इतना दूध दे दे पशु कृष्ण भाई भाई अगले ने नहीं कराया अच्छा कति जो भाई छोटा है उसने अपने हाथ कांटे पे तोल रखा है और करनाल तक पास होकर आई थी इसकी जो मुर्की है अगले ने काट ली इसकी मुर्की छोड़ी नहीं अच्छा जी इसके कान में चेक कर सको इसकी जो मुर्की थी ना वागले टैग नंबर था उन्होंने रख लिया अच्छा भाई चलो भाई पीछे की तो दूसरा ब्यात था भाई अगले ने दूध काढ़ा बाखड़ी लेकर आई इसने इब हम तो आप पर डिटेल पूछेंगे जो आगे की भाई पशु ने देख के अंदाजा लगा लेंगे लोग तो भाई सब प्रेगनेंट को से बोलता है नहीं और बता दो भाई टिक्के तो करवा रहे अगले ने नूनी बेरा भाई गवर्नमेंट का टिक्का लाग रहा भाई प्राइवेट सिमन का है भाई अगले ने टिक्का दरवा रखा था हाँ जी तो भाई साहब क्या कीमत करोगे इसकी भाई इसके 1,48,000 रुपये 1,48,000 रुपये मैं सेल करोगे इसने भाई हाँ भाई, जी। भाई देखो तीसरी बार बच्चा देगी और भाई फोन आज के टाइम इतना महत्वपूर्ण हो रहा है जितना भी हरिया खतर गुटका क्योंकि वे हाँ। को बात कहनी होगी तो गुटका ही थूका ही अगले ने डेट 2 मिनट हाँ। भाई साहब ने देख ये तस्वीर है किसका रहा फोन अरे गमाल ने उरन लिया हो तो भाई 1,48,000 रुपये हाँ भाई जी 1,48,000 रुपये में इसे सेल करेंगे मान सम्मान के कुछ करोगे भाई साहब भाई आ होगा जब अगले का मान सम्मान तक गाल लेंगे सूखम सूखा गाल लेंगे क्योंकि एक दो वीडियो में मैं भूल गया न्यू करना भाई भाई जब एक बात बताओ हम अगले पे मैच लेने जा हैं हाँ हम अपना मान सम्मान ले हैं तो हमारा भी फर्ज पड़ेगा फर्ज अपना भी पड़ेगा तो 1,48,000 इसकी कीमत है भाई मान सम्मान भी जरूर किया जाएगा या कीमत है बयान तो पहले की बयान तो पहले की ब्याह पक्ष है भाई घटेगी बदेगी मौके की बात हो भाई तो भैया तीसरी बार बच्चा देगी दूसरा ब्यात में भाई बताओ है इसने 20 किलो दूध कांटे के तोल का निकाल लिया है और भाई 1,48,000 इसकी कीमत है जो भी भाई खरीदना चाहे अपना कृष्ण भाई का काम मेहंदीपुर हर स्क्रीन पे लगातार नंबर चलता रहता है पशुपालक का इस नंबर पर कॉल करो भाई जी एक दिन रात ने 11 बजे फोन आया मेरे तो एक भाई का बोला 2 मैच चाहिए है भाई मैं किसका जेवड़ा खुलवाऊं भाई लिया हूं एक पान इसकी भाई 17 किलो इसने कांटे का दूध दे रखा है कौन से ब्यात में 22 का ब्यांत का मैं झूठ बोल लूं कोई पता नहीं कोई नहीं मेरा यो दिखन लग रही है कौन से ब्यात में उसका है अंदाजा ला लियो हाँ मेरे भाई का क्या नाम है अपना जो चलाओ मैं संदीप नाम है इसका संदीप भाई भी फोन पर कई बैस भेज देता होगा अरे यो जेसीबी का काम करे भाई अच्छा अच्छा हाँ उन्हें लिया ये फोन न्यू आवा भाई हाँ तो भाई ब्यांत का बेरा नहीं कौन सा है डिटेल के है इसकी कृष्ण भाई भाई डिटेल इसके 72,000 रुपये है इसके 72,000 रुपये तो है हाँ। बता दो कितने दिन रह गए भाई नहीं गैप बननी है यार डोका मोड़ा इसने और 9 किलो इसके तड़े दूध है भाई प्रेग्नेंट भी नहीं है प्रेग्नेंट भाई देखो हो जाता है भाई किस्मत आ गई है डोका जरूर मोड़ा है इसने अच्छा। कल है 9 किलो दूध तैयार है यार काटे के तो लगा भाई लीटर में फिर वो कहा कर भाई 11 भी कह दे 72,000 रुपये कीमत 72,000 रुपये की मरी और कम कर लो भाई साहब भाई को आओगे देख लेंगे और के कोई आओगा तो देखो मान सम्मान इसमें जरूर करियो भाई कथी जरूर कोई काम करते नहीं 9 किलो दूध है इसमें फिलहाल और भाई प्रेग्नेंट या हुई नहीं है तो अगला तो
माथे में फूल भी है भाई थोड़ा भाई फूल है बिल्कुल। अगले ने मेरे तो झूठ बोली थी, अगले ने झूठ बोली थी, अगले ने पॉलिश करके दे रखी थी इसके। अच्छा यो तो मेरे आए घर आके एक भी नहीं पाछे बने नुबेरा लगे इसके माथे में फूल, इसके माथे में फूल है। चलो हमने भी दिख गया भाई, हमने तो भाई आड़त है ना, देख अजय जो कुछ होगा सच्ची बोलेंगे, सच्चाई का जो धन है भाई ना लंबी जा रहा है, झूठ नहीं चल रहेगी जो कुछ है ना। व्यापारी का होता है इसमें ग्यारह भी कह देगा ना, गलत है जो चीज हो कल ना कोई ले जाएगा तड़के एक सांझ को सतना भाई। हाँ अरे लकड़ा का जरूर कितने का लकड़ा, पक्का लकड़ा का तो यह चीज है, नो का सवा नो पाओगा तो अगला नोगा का करे बढ़िया काम करे भाई। हाँ, अगले झूठ नहीं बोली, और नो का भाई छह पाओगा तो नो का करे नाशा कर दिया भाई, और गैप बनाली बात भी सच्चाई बता दिया भाई, बस सच्चाई है, गैप बन भी नहीं है भाई। ये तेरे के कहे बेचने दा इनू कह देंगे 15 दिन की 20 दिन की है, सही बात है भाई पास करवा के देंगे। हां हर भाई डॉक्टर ने भी सेट रखे हैं, हमने तो देखे हैं यार सारे छी हजार में इनू कह दे बोले छह भाई, बोले बच्चा हाथ लाग गया आगे लेकर जाके कुछ पाती नहीं, फिर नो भाई हमने तो पास कराई थी, गलत चीज हो जाए भाई। अगली ले आओ भाई साहब, कृष्ण भैया तीन नंबर पर बाखड़ी है जो, इसकी और बताओ डिटेल। या भाई मैं लिया था चौथा ब्याह तो बताया था इसका मारे थे। अच्छा भाई ब्याह जो पांचवा हो जाए छठा उसकी कह नहीं सकते, चौथा बताया था। अरे भाई 20 किलो दूध हमने अपना काट दिया है इसका, कौन से ब्याह तो मैं काट दिया है, यो चौथा बताया था भाई जी मारे थे। अच्छा जी ईब के लाए थे जीन ते लाए थे। नहीं लकड़ता जिस तरह आपने पहली में 20 किलो बताया इसमें भाई पशु का हिसाब वही बात दूसरी थी उसमें ना बताया मैंने। हाँ वह तो देखे उसका तो बात अलग थी भाई, बात जमा ई बीस में भाई जी 8 किलो दूध है, 16 किलो दूध था, मैं इसका बुखार हो गया था और मतलब है ना 10 किलो पे चढ़ गई थी, लेकिन दो या गर्मी होने में 2 किलो फिर तोड़ रही है मैं, फिर तोड़ रही। कितने दिन की मतलब पाया दूध पे तो 10 किलो दूध पे मैं ना चढ़ना कोई छोटी बात नहीं होती जी, सही बात है। कितने दिन की पाई होली जी भाई? यार मैं लिया था 28 फरवरी ने, 28 फरवरी ने इसका मतलब चौथा दिन था इसने ब्याई ने इसका जो उस टाइम मतलब गूगल पे था मैंने पैसे डाले थे, महीने हो गए भी है। हाँ। 6 महीने हो गए भाई। हाँ। 6 महीने की ब्याई होली, 6 महीने की दूध कितना हाज है भाई? 8 किलो है पक्का, 8 किलो पक्का। प्रेग्नेंट कितने दिन की ना भाई? या नहीं इसने डोका भी नहीं करा, उसने डोका कर लिया, इसने डोका भी नहीं, इसने डोका भी नहीं करा भाई। हाँ भाई भाई ने जो बात है भाई वो सच्चाई और सुस्पष्ट बता दी है। अब भाई देखे उसने तो डोका मोड़ा था, इसने डोका भी नहीं करा नहीं है भाई जी। तो 8 किलो दूध है भाई, कीमत क्या होगी इसकी? इसकी भाई 82,000 रुपये कीमत है इसमें, इसकी 82,000 रुपये कीमत है। 8 किलो दूध इसमें फिलहाल तैयार है भाई। हाँ भाई भैंस बढ़िया है, पर एक इस चीज़ की भाई कोई गारंटी नहीं, हक गया नहीं हो ना हुआ आपका भाग, वो तो भाई किस्मत की बात है। सही बात है, 82,000 रुपये कीमत है भाई इसकी। हाँ भाई जी इसकी 82,000 रुपये की मान सम्मान के इसमें भाई, भाई देखो मान सम्मान था जी पहला भी बताई थी मैंने, कोई आवा है तो देखो भाई हम जब अगले पे लेने का भाई हमारा फर्ज है। लियो भाई साहब फोन नंबर क्या अपना भाई? 7988-88-88-7-9-88-36-7-3-77। एक भाई ने पूरे ने हिंदी मोर बता दे भाई, 7988-36-73-77। कितने पढ़ रहे हो भाई साहब आप? भाई मैं तो बीए कर रहा हूँ, बीएड कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, एमएड कर रहा हूँ। दास तो गलती बन गई जब ये बात शुरू में बूझनी थी, हम तो सादा स्वभाव देख के कृष्ण भाई का न्यू मान गए, अब भाई 10-12 कर रहा होगा भाई। भाई इतना पढ़े लिखे पक्ष से भी नौकरी नाकरी मरु भाई जी, नौकरी पैसे का जुगाड़ नहीं था, फूड सप्लाई में सब इंस्पेक्टर के 14 लाख रुपये मांगे थे, घर का जुगाड़ था नहीं, 1 लाख रुपये देने का भी, 1 लाख का भी नहीं था। चलो वह नौकरी तो फिर आपकी काबिलियत की नहीं थी भाई साहब, पीछे हम लग गए थे उस नौकरी पर भाई, मतलब उस टाइम पे हर एक आदमी पैसे के चक्कर में रहा था, मेरा रोडवेज में भी सिलेक्शन हो गया था लेकिन मैं पैसे के मामले में अटक गया। कितनी अपनी एबिलिटी पे हो आपका सिलेक्शन भाई साहब? भाई अपनी ये टेस्ट थे, टेस्ट हमने क्लियर कर रखे थे। अच्छा। रोडवेज में 85% नंबर थे टेस्ट में, लेकिन फिर भी हम रख दिए थे। उड़े किस्मत मान लो आप, देख भाई पढ़ने में ठीक रहे कोई सी बात नहीं थी, पर टेस्ट क्लियर हो गया मतलब है ना, फिर हमने नौकरी की दो नौकरी हमें ट्राई करे फिर छोड़ गए, अपनी मेहनत ते यो बागड़ दीना शुरू कर दिया, शुरू कर रखा है जी। मतलब एक किला मेरे बट्टा हुआ है, एक भाई का दो भाई है हम जी, एक के किले ते यो आप देखने लग रही यो इतना मलबा यो सारा मोल ले रखे भाई। बिल्कुल भाई जी देखो भाई
हरियाणा के वो पशुपालक हैं जो एमए एमएड करने के बाद भी बीए बीएड करने के बाद भी आज पशुपालन में काम कर रहे हैं भाई। एक किला जमीन में तो देख के गुजारा हो है, फिर भी भाई ने इतने बढ़िया कई पशु, लगभग 9-10 पशु हैं अपने। 9 पशु है भाई जी मेरे पास, 9 पशु हैं और उसके साथ में पूरे खुद ही काम कर रहे हैं भाई, ना कोई नौकर रख रहे भाई, कोई नौकर नहीं। और मेरे तो घरवाली का भी भाई ऑपरेशन हो रहा है, सब कुछ मैं तो 2.5-3 साल हो गए खुद करूँ हूँ। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया कृष्ण भाई, ऐसे मेहनत करते रहो, एक दिन परमात्मा जरूर आप ना तो बड़कन नौकरी जरूर देगा। कोई ना भाई, मेहनत करनी है जे भाई। सही बात है भाई, मेहनत का राम अमाती है, हिम्मत का राम अमाती, सच्चाई है भाई साहब जी। तो कमेंट में भाई अपनी राय जरूर दे दियो। राम राम सारे भाई ने, राम 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 भाई जी, राम राम।